इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं, लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। क्या ये सेकुलर एजेंडा है? सांप्रदायिक आधार पर ये लोग बांटते हैं समाज को। और महोदय, उसी प्रकार से मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षित कर दिया गया, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गांव गांव में विवाद खड़ा करके 300 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया जाता है, गांव गांव में उसके माध्यम से विवाद खड़ा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, किसी भी अन्य उपासना विधि के नाम पर, मदरसों के नाम पर या मजारों के नाम पर कब्जा न मत करने दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर धड़ल्ले से काम चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि शासन की ये मंशा है, इसलिए प्रशासन उसमें बोलता नहीं। क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा? उसी प्रकार से उससे भी खतरनाक स्थिति, आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं, आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है, जो लोग लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों पर दायर मुकदमे, चाहे वह राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले का मामला हो या संकट मोचन मंदिर काशी में, सीआरपीएफ कैंप रामपुर का मामला हो या गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट का मामला, रघुनाथ मंदिर ये जितने भी मामले हैं, इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का उचित प्रयास किया। न्यायालय अगर बीच में नहीं होता तो संभवतः अब तक वे आतंकवादी बाहर छूट करके पुनः नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बनी रहे। महोदय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है, कौन है सांप्रदायिक, कौन सांप्रदायिक है। और मुझे लगता है इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। महोदय, जो हम लोगों ने जाना है, जो हम लोगों ने समझा है, इस सांप्रदायिक वह होता है जो कहता है कि मेरा इष्ट या मेरा देव या मेरा पैगंबर ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है, शेष को नहीं। मुझे लगता है वह सांप्रदायिक है। हिंदू जीवन दर्शन कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। हमने किण्वंतो विश्वारम्भ का संदेश दिया था, हमने सर्वे भुंत सुखिना का संदेश दिया था, हमने तो इस देश के अंदर एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति की बात कही है, जियो और जीने दो पर विश्वास हमारा दर्शन करता है। और दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में सिंधु दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो, कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर। लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन को, जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ खड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो खड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय पाकिस्तान या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू
हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक सिंधुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। और इसलिए महोदय, मैं आप सबके आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, महोदय एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, बैठ गए आप, तो बात करते हैं महोदय। उन्होंने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो मैं भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा, और भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो मैं हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर। और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। पिछले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। महोदय कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिरला उदाहरण था जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर के खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की। मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे, जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में इस देश के अंदर जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति और इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और इसीलिए बंधु महोदय, इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए, और इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया। इस देश के अंदर महोदय असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कोकराझाड़ अंडर रूल 376 सर, द ऑनरेबल मेंबर वाइल गिविंग statement in his speech, he mentioned about communal rights. I request you that 2011 he has given a figure, those are wrong figures. No, he has completely forgotten 10 to 2013. No. My question was there, sir. You cannot give wrong figures. Gujarat was the highest number for the Madhya Pradesh. I have my question over here, answer. No. I request you to check the record. Please, sir. Thank you. Please. Say. No. Please. Say, unless my leg. Say, I mean, on my leg, please. See, the member is speaking and giving some figures. You are disputing that figures. No. In your speech, you can say there is no ruling. There is none out of. During your speech, you can speak. You reply that. During your speech, you can counter it. Not when your time comes. When your time comes, you at that time can dispute it. You continue. You can nothing will counter. उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं।
क्योंकि लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था, 3 महीनों तक लगातार दंगे होते रहे, इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा नहीं कराई, असम जलता रहा। और तो और कांग्रेस के लोग एक बार तो असम के ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन्होंने बोडो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे बोडो वहां का नागरिक है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे? लेकिन ये लोग बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वकालत करते हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे बांग्लादेश पूरे पूर्वोत्तर के भारत का जो समीकरण बदला है। महोदय, असम के अंदर आज कोकराझार, धुबरी, चिरांग और बरबेटा जिले जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे सर्वाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर आकर के जमीनों पर कब्जा किए हैं। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ साथ उनके राशन कार्ड बनाए हैं, और बेशर्मी के साथ देश के साथ खिलवाड़ इन्होंने वहां पर उनके माध्यम से करवाया है। महोदय, और तो और हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और कम्युनिस्टों से भी, कोयंबटूर और बेंगलुरु धमाकों का जो अभियुक्त है उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाता है, दोनों दल एक साथ मिलकर के अपील करते हैं कि उसको छुड़वाओ। ये क्या सेक्युलर है? क्या इनका यही सेक्युलर एजेंडा है? क्या यही इस देश में यही सेक्युलरिज्म है? और इस देश के अंदर महोदय, इस देश के अंदर क्या हुआ था? लेट हिम स्पीक, हम भूले नहीं। महोदय, 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ, महोदय आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थे उनके बीच में और वहां के बौद्धों के बीच में वहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए। ये मामला म्यांमार का है, भारत का नहीं, लेकिन म्यांमार की घटना में दंगा कहां होता है? आजाद मैदान मुंबई में ये लोग मौन रहते हैं, वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है, उनके साथ साथ पुणे में दंगे हुए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में दंगे हुए, ये लोग मौन रहे। इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई, ये लोग मौन रहे उस घटना पर। ये वही लोग हैं जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे, और बाबा रामदेव पे उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामला मैदान पे लाठी चार्ज करके बेशर्मी के साथ वंदे मातरम का गान करने वाले लोग करने वाले देशभक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई है? कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? कौन इस देश के अंदर सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है, और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एसेंटे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। और इसलिए महोदय, जब उत्तर प्रदेश के अंदर की जो घटनाएं आई हैं, उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे, महोदय जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बारे में अगर मैं आपके सामने रखूं, वो घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं, और चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने का बात किया था, हम लोगों ने तो नारा भी दिया था कि सबका साथ और सबका विकास, हमने कहा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन असम के अंदर अली और कुली का नारा इन लोगों ने दिया था, हम लोगों ने नहीं दिया था। असम को ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश से अलग करने की साजिश कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या यही इनका सेक्युलरिज्म है? महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में 118 घटनाएं घटित हुई, 2013 में 247, और मार्च से मई तक 65 घटनाएं घटित हो चुकी हैं।
सहारनपुर का दंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर सहारनपुर में एक गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था। अब न्यायालय के आदेश को प्रशासन नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानेगी। काठ में इसलिए वहां पर विवाद होता है क्योंकि उस गांव में चार धर्मस्थल हैं, तीन मस्जिद एक मंदिर। मंदिर हिंदू समुदाय के द्वारा है, तीन मस्जिदों पर माइक रहेगा लेकिन मंदिर से माइक उतार दिया जाता है। क्या यही सेकुलर एजेंडा है इन लोगों का? यही सेकुलरिज्म है क्या? इसी को सेकुलरिज्म आप कहेंगे? और इसलिए महोदय जो कुछ घटना घटित हुई, मेरठ के अंदर एक बालिका का अपहरण होता है और अपहरण होने के बाद उसके साथ जो घटना घटित होती है कितनी शर्मनाक थी। महिला हिंसा पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस महिला हिंसा की बात हम कर रहे हैं, उस सब के बावजूद ये लोग मौन हो जाते हैं। इन लोगों के मुंह से इनकी जुबान नहीं खुलती उस मामले में। न्याय का तराजू तभी चलेगा देश के अंदर समान कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा। कानून इस देश में मत प्रदाय मत के आधार पर लागू नहीं हो सकता। और इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से चाहूंगा, कांग्रेस ने मुद्दा दिया है, अच्छा होगा पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये घटनाएं घटित हुई हैं इनकी SIT जांच करा दी जाए। किसी सिटिंग जज से, किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इन सांप्रदायिक दंगों की जांच करवाने के साथ साथ अराष्ट्रीय तत्वों से किनके संबंध हैं इसकी भी जांच करा दी जाए। दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। यही मांग करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लोग सांप्रदायिक एजेंडे के साथ देश के सामने आए हैं और लोग देश के खिलाफ इनके खतरनाक मंसूबों के खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।